सो है रोलिंग बटन, कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। यार एक दो दिन से वीडियोस नहीं, एक दो दिन से नहीं, थोड़ा टाइम हो गया वीडियोस नहीं आ रहे, बिकॉज यार जिस डिवाइस से मैं ब्लॉग करता था उसमें आ गया था कुछ इशू और उसको ठीक करवाने में 2 से 3 दिन लग गए, बिकॉज यार इसका पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जो जिसको कि आने में 2 से 3 दिन लग गए और अब आके ठीक हो गई है। तो आज से ब्लॉगिंग शुरू। यहाँ पे यार एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा बना पड़ा था, लेकिन यार आज धूप जो है वो काफ़ी कड़ाकेदार निकली हुई है और यार गर्मी नेक्स्ट लेवल वाली हो रही है यार, क्या ही बोला यार। अगर आपने लास्ट कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने लास्ट डे इन कॉलेज करके डाला था, तो मेरा कॉलेज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब कॉलेज की तरफ से हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए कहाँ जा रही है भी आपको थोड़े टाइम में पता लग जाएगा। और आज यार मेरी ट्रेन थी और शाम की ट्रेन है, तो मैं आज ही डिवाइस लेने गया, सोचो अगर आज मेरा फ़ोन ठीक नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, तो मैंने कहा आप जैसे तैसे करके दे दो। मैं वही 1.5 घंटा बैठ के फिर ठीक करवा के फिर लेके आया हूँ। मैं कहा नहीं यार इसको तो नहीं छोड़ के जा सकते यार, मेरे पास एक और डिवाइस है बट उसमें से नहीं ब्लॉग मैं करता, बिकॉज वो मेरा प्राइमरी डिवाइस है, मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, वे भी नहीं लेके जा रहा हूँ। पहले मेरा प्लान था मैं लेके जाऊँगा, बट यार मेरा क्या हुआ कि लाइसेंस नहीं बन पाया, उसमें भी कुछ इशू था यार तो नहीं बन पाया, इसलिए WP को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। यार सही बता रहा हूँ, आज मेरी लास्ट राइड है इस पर, तो अब बस बाकी 6 महीने बाद देखेंगे। और तो यार थोड़ा थोड़ा सब सामने ही आ जाओ क्या यार, उसको पता है टर्न है यार, फिर भी इतनी तेज़ी से घुसे जा रहा है यार, ऐसे तो खुद तो मरते मरते लेकिन दूसरों का भी नुकसान करवा दे। 6 महीने अब घर से दूर जाने वाला हूँ, मतलब 6 महीने तक नो बाइक नो फैमिली, तो यार अजीब तो लग रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन भी उदास है, लेकिन फिर भी चेहरे पे स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप दुनिया को बताओगे कि आप स्टे हैप्पी यू आर हैप्पी। घर से पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ और थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बिकॉज ज़्यादा घूमना फिरना हमने किया नहीं, घूमना फिरना किया है बट ऐसे लॉन्ग पीरियड के लिए कभी घर से दूर नहीं रहे, तो थोड़ा सा अपसेट हूँ, बट कोई नहीं यार ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो घर के लिए क्या करेंगे, लड़कों की ज़िंदगी भी ऐसे ही है, घर के लिए घर से दूर रहना पड़ता है यार। क्या बोलूँ यार, एक तो गर्मी इतनी ऊपर से हेलमेट पहनना पड़ता है, हेलमेट के अंदर इतनी ज़्यादा पसीना आता है ना गाइस, क्या बोलूँ यार, अभी तो पूरा झरना बन रखा होगा अंदर यार। अबे यार A few inches later. ओ छी, सारा पानी पैर पे चढ़ गया यार, क्या यार गंदा पानी यार, मेरे को दूसरे रास्ते से आना चाहिए था यार, सारा पैर पे चला गया यार पानी यार, बारिश की वजह से कीचड़ वीचड़ मस्त लग गए थे इस पर, तो इसको अभी जाके वॉश कराएंगे और फिर पैक करके रख देंगे इसको 6 महीने के लिए। तो पलटन आज संजू का बर्थडे, कमेंट्स पे सारे अरे संजू के हैप्पी बर्थडे कह देना, संजू आके आप सभी को रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ कपड़ा रह गया था कल मैं यहाँ से कपड़े लेके गया था, तो बाकी के कपड़े लेते हैं अंदर जाके, वहाँ से कपड़े वगैरह तो हमने उठा लिए थे, तो यार बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी यार, जैसे कि आप देख सकते हो यार कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, गंदी हुई बड़ी, वैसे कंडीशन ख़राब नहीं है। तो आज संजू का भी बर्थडे, संजू को भी उसका गिफ्ट मिल गया, तो आपने देखा होगा मेरे बाल वगैरह छोटे हो गए, बिकॉज यार वहाँ पे बाल लंबे अलाउड नहीं करते, तो बस अब ऐसे घूमना पड़ेगा वहाँ पे, तो बस अब बाइक वॉश करवाते और घर जाते और रेडी होते पैक करते और निकलते हैं। अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं यार, राणे ने मेरे को रास्ते से पिक कर लिया था, घर वाले यार कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो मैंने उनको यार यहाँ पे बुलाया है नहीं स्टेशन पे, क्योंकि जाते वक्त और इमोशनल कर देते, क्यों राणा साहब तेरा भी यही हाल था? सेम यार, 6 महीने के लिए जा रहे हैं यार, पर फिर भी होता है यार, बच्चा दूर जा रहा है तो हो जाता है, बाकी भी अंदर जा रहे ट्रेन देख रहे हैं सीटें वगैरह, सीट कन्फर्म है अभी? सीट कन्फर्म है, हाँ सीट, चलो फिर अंदर मिलते हैं आपसे। आधे घंटे रह गए ट्रेन आने को, तो आधे घंटे में ट्रेन आई और निकलेंगे, अभी हम पल्स डाल रहे हैं बिकॉज कुछ जाने से पहले अच्छा हो जाए पल्स। कोई सेंस है इस बात की? आया मेरे भाई का फोन, बंदे ने कितने बैग लेके आया दिखाऊं? मैंने लोड ही नहीं, 3 बैग भर भर के 3 बैग लेके आया है, एक ये और एक मेरा, ये सिंगल है, बंदे ने पता नहीं क्या इतना सारा लेके रखा है, मेरे को तो लगता है कब्जा करेगा वहाँ जाके।
आप बताना चाहेंगे इतना क्यों लेट आए भाई साहब? क्या मारा ओए आंटी के पीछे, इन्हें पीछे जो बेड़ा खानी है। बस 10-15 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, कहना फिल्टर ला लगा मुंह में जाएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे। सही कहा भाई, नहीं इधरों नेड़ा, इधरों ठीक है भाई, इधरों के इधरों का आ रहा मामा पहले आए थे। ना ट्रेन आ गई है, अब हम बैठने वाले, अब हम जाने वाले हैं, अब हम पहुंच जाएंगे। इसका फर्स्ट टाइम है, आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, बिकॉज ये आप इसका फर्स्ट टाइम है यार। पिछे नहीं पीले वाले दी, हाँ जी वो तो तेरी रोटी की फोटो लाई। ये देख बढ़िया वाली डब्बे, कैबिन मिला सिंगल सिंगल। अब हम अंदर बैठ रहे, थोड़ा सा इमोशनल हूँ बट चलता है इतना। इनके अंदर आके तो बैठ गए, लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत होगी भाई? दो सीटा मिली हमें, चार सीट बुकिंग करवाई थी, दो कंफर्म हो गई, दो कैंसिल हो गई। अभी एडजस्ट करके जा रहे हैं, वैसे तो खाली ही है बट देखते हैं अगर टी टी आएगा तो बात करके इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे हम। भाई जोश पता नहीं क्या लेके आया था, बैग में इतना बड़ा बैग था, नीचे जा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती पसीना पड़ा था। टी टी ना चार सीटें इधर आई, उसको क्या है भाई टिकटें कंफर्म है, ठीक है टिकटें देख ले कंफर्म कर, ठीक है क्योंकि दो हमारे वहाँ पे कंफर्म है। भाई एक बार बता तू चार क्यों नहीं की वहाँ पे कंफर्म? चार करवाई थी, मीटिंग में थी ना, तो कंफर्म सिर्फ दो ही हुई है, तो दो बाकी और क्या करना, कैंसिल हो गई और क्या? क्यों हो जानी है कंफर्म? अच्छा हो जानी है, हां हो जानी, मीटिंग लिस्ट में अभी अच्छा वाले जब सीट उठ जाएगी मतलब फिर चल कोई भी जी सुनते बैठो दोनों, ठीक है घर वाले परेशान थे, अभी बिस्कुट खाया जा रहा है, आधा घंटा हो गया ट्रेन में बैठे को, ये बहुत ज़्यादा खुश है अभी, ठीक ठीक है। इसकी मोबाइल आते ही आई है, क्या चेहरा नहीं आया अभी भी नहीं आया, आता गया आ गया। हेलो कर दे, चाय तो हमारी चार की टीम है, चार की टीम हमारी कहाँ जा रही है? हाँ हम जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं, तो मुंबई से कोई हमें नहीं दिखता है वैसे, मुझे पता है बट फिर भी हम मुंबई आ रहे हैं। ये ट्रेन इतनी हौली हौली क्यों चलती पई है? मैंने भी गुस्सा आ रहा है, अंदर ट्रेन चलिए असली चलिए अगे जा जी, रोकी सानू भी दे यार, सानू असि भी खाली यार, गंदा चम्मच रुक जा बैकग्राउंड बड़ा वधिया यार, वाइट वाइट हो फिर क्यों क्या प्रा हाथ पैर नहीं दबा सकता? मैं दबा देने फिर देख ली, मैं दबा देने क्रोनी बहुत तरह की खाई होगी आपने, लेकिन आज इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत ही खतरनाक लजीज जहरीली, पता नहीं क्या क्या कह सकते सब कुछ। डब्बा देखिए कितना बड़ा डब्बा है, और मक्रोनी के अंदर क्या क्या, आलू मटर शिमला मिर्च और क्या भाई, पोहा भी है भाई मक्रोनी के अंदर, कौन आते हमारी सीटें वगैरह में तो घंटी बैठ गए थे, उनको भी कुछ कह नहीं सकते यार, तो उनके पैर में भी भाई लाइट जला दे यार, दो मिनट जला गए किसी की सीट
में पड़ रखे थे, ये बिस्कुट लेके आया था, हम बिस्कुट खा रहे थे। बिस्कुट कहाँ है भाई? बिस्कुट अंदर रख दिए, बिस्कुट अंदर, बिस्कुट अंदर रखे, मुझे खाने नहीं दिए इन लोगों ने। बाय बाय, आज की रात ऐसी कटेगी, सुबह सोएंगे, सुबह सोएंगे। बाय बाय, बाय बाय। Fuck her in the best.